हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मोटो कैम गाय। और मुझे बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ बहुत सारे वीडियो जिसमें मैं फ़ोटोग्राफी के बारे में बात करूँगा। और आज हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ फ़ोटोग्राफी के बारे में। आज के यंग जनरेशन में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके हाथ में कैमरा नहीं है, सबके पास मोबाइल फ़ोन से जिसमें कैमरा है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी फ़ोटोग्राफी को आगे की लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, तो उनके पास अच्छे अच्छे DSLRs भी है। पर क्या कभी हमने सोचा है कि इस फोटोग्राफी की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई? अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है और आप अपनी फोटोग्राफी को और इम्प्रूव करना चाहते हो तो डेफिनेटली मेरा चैनल आपके लिए है। एक ज़माना था जब राजा महाराजा और अमीर व्यापारी लोग हैं वो अपनी पोर्ट्रेट्स बनवाया करते थे पेंटर लोगों से, पर पोर्ट्रेट्स बनवाना गरीब लोगों के बस की बात नहीं थी। तो उससे ये होता था कि कोई भी अपने पूर्वजों को देख नहीं पाता था और कोई भी अपने बचपन की तस्वीरों को देख नहीं पाता था। सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग और राजा महाराजा लोग ही अपनी बचपन की तस्वीरें और अपने पूर्वजों को वो कैसे दिखते थे ये सब देख पाते थे। तो जो कॉमन पब्लिक है उनको ये सब देखने को नहीं मिलता था। और आज का ज़माना है जबकि फोटोग्राफी हर किसी के बस की बात है, हर कोई अपने बच्चों के, अपने खुद के और अपने माता पिता के फ़ोटोज़ क्लिक कर सकता है ताकि आने वाली जनरेशन्स भी ये देख सके कि अपने बुज़ुर्ग कैसे दिखते थे और खुद भी अपनी बुढ़ापे में देख सकते हैं कि हम बचपन में कैसे दिखते थे। या कभी भी जब हमें देखना है कि हम 10 साल पहले कैसे दिखते थे या 15 साल पहले कैसे दिखते थे तो हम अपनी पुरानी तस्वीरें देखकर ये देख सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि हम कैसे दिखते थे और आज कितने अलग दिखते हैं। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 16th century में, और वो भी यूरोप में। आप सभी जानते हैं कि यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था जबकि उन्होंने वहाँ पर बहुत नए नए मशीन्स बनाए थे ताकि हाथ से होने वाला काम कम हो, ताकि मशीनें ज़्यादा प्रोडक्शंस कर सके। ये सब हमने इतिहास में पढ़ा है। तो उसी ज़माने की बात है जब एक फैक्ट्री थी वहाँ पर सिल्वर क्लोराइड नाम का एक केमिकल बनाया जाता था। सिल्वर क्लोराइड का यूज़ वाटर ट्रीटमेंट, मर्क्यूरी पॉइजनिंग की दवाइयाँ बनाने के लिए और कई अन्य प्रकार की दवाइयाँ बनाने के लिए होता था। आपने मेडिसिन्स के कवर पे हमेशा ये एक स्टैट्यूटरी वार्निंग देखी होगी, कीप इट अवे फ्रॉम सनलाइट। क्या आप जानते हैं ये स्टैट्यूटरी वार्निंग क्यों दी जाती है? क्योंकि उस दवाई में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सनलाइट में आने के बाद उसमें केमिकल रिएक्शन हो जाता है और वो अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ खो देते हैं। सिल्वर क्लोराइड भी एक ऐसा केमिकल था जो सनलाइट में आने के बाद उसमें केमिकल रिएक्शन हो जाती थी और वो अपने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ खो देता था। इसीलिए सिल्वर क्लोराइड की जो भी लैब थी वो एक ऐसी जगह पर बनाई जाती थी जहाँ पर सनलाइट ना हो। उस जहाँ पर वो केमिकल बनाया जा रहा है उस रूम को ऐसा बनाया जाता था कि उसके अंदर सनलाइट डायरेक्टली ना जाए। उस केमिकल को सनलाइट के एब्सेंस में ही बनाया जाता था। सिल्वर क्लोराइड की लैब में जब सारे लोग काम कर रहे थे, एक दिन उन्होंने ये नोटिस किया कि कहीं से एक छोटा सा गैप दीवार में था जहाँ से रोशनी अंदर आ रही थी और वो एक दीवार के ऊपर गिर रही थी। और वहाँ पर क्योंकि सिल्वर क्लोराइड केमिकल लगा हुआ था उस दीवार पे, क्योंकि वहाँ पर हर रोज़ वो केमिकल बनाया जाता था तो हर रोज़ थोड़ा थोड़ा उस दीवार पे लगता गया, तो रोशनी गिरने के बाद वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ और उस रूम के बाहर जो भी बिल्डिंग थी उसकी तस्वीर उस दीवार पे छप गई। तो सारे लोग ये देखकर बहुत ही सरप्राइज्ड हुए। उस चीज़ के चर्चे सारे शहर में होने लग गए, कई सारे लोग ये देखने के लिए आना शुरू हो गए। तो इसी चीज़ पर ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि अंधेरे कमरे में अगर बाहर से कोई एक छोटा सा होल हो या एक छोटा सा गैप हो जहाँ से रोशनी आकर एक दीवार पर गिरे तो वहाँ पर इमेज दिखाई देती है, जो भी उस रूम के बाहर सीन है उसकी इमेज उस दीवार पे दिखाई देती है, बट वो उल्टा दिखाई देता है। अगर बाहर अगर कोई पेड़ है तो वो उल्टा दिखाई देगा, ऊपर का जो उसका टॉप है वो नीचे दिखाई देगा और नीचे का जो है वो ऊपर दिखाई देगा। ये खबर बहुत ही तेज़ी से पूरे यूरोप में फैल गई और काफ़ी सारे जो भी आर्टिस्ट लोग थे वो इस चीज़ का यूज़ अपने आर्ट में करना शुरू कर दिया उन्होंने। और उन्होंने जो भी अगर उनको स्केचेस बनाने हैं, जो भी पोर्ट्रेट्स बनाने हैं उन उसके लिए इस प्रिंसिपल का यूज़ करना शुरू किया, क्योंकि पहले अगर उनको कोई भी स्केच करना है तो वो हूबहू हाथ से करने के लिए काफ़ी टाइम लगता था। तो इसी प्रिंसिपल का यूज़ करके उन्होंने उसको ट्रेसिंग करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इस प्रिंसिपल को समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इस कमरे के बाहर एक लड़का बैठा हुआ है, वहाँ पर एक चबूतरा है, दो पेड़ है और एक दीवार भी बनी हुई है। और लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं कि एक अंधेरा कमरा है जहाँ पर कहीं से भी रोशनी अंदर आने के लिए जगह नहीं है,
और यहाँ पर आप बीच में देख सकते हैं कि उन्होंने एक छोटा सा छेद बनाया हुआ है, तो उस छेद से रोशनी अंदर जा रही है और दीवार के ऊपर उस वो रोशनी गिर रही है, और जो भी सीन बाहर है वो उस दीवार पर उल्टा दिखाई दे रहा है। अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर जो भी ये मॉन्यूमेंट बना हुआ है वो अंदर उल्टा दिखाई दे रहा है। इसी प्रिंसिपल को समझने के लिए और एक डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं राइट साइड में एक कमरा है जिसमें अंधेरा है और लेफ्ट साइड में एक इंसान खड़ा हुआ है, तो हम देख सकते हैं कि इस छोटे से छेद से अंदर रोशनी जा रही है और नेक्स्ट वॉल पे उस इंसान की छवि बन रही है जो कि उल्टी दिखाई दे रही है। तो इसी प्रिंसिपल को यूज़ करके काफ़ी सारे आर्टिस्ट लोगों ने इस प्रिंसिपल का यूज़ अपने आर्ट में करना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले उनको स्केचिंग में काफ़ी टाइम लगता था और एक्यूरेसी भी लाने के लिए बहुत ही मेहनत लगती थी। तो उन्होंने सेम प्रिंसिपल से एक कमरा बनाया जिससे बाहर जो भी सीन है वो अपने कैनवास पे या पेपर पे बना सकते थे। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं बाहर बच्चे खेल रहे हैं और इन आर्टिस्ट ने अंदर एक कैनवास रखा हुआ है, एक दीवार में छेद बनाया हुआ है, वहाँ से रोशनी अंदर आ रही है और वो रोशनी एक मिरर पे रिफ्लेक्ट होके एक मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू वो कैनवास पे गिर रही है, और वहाँ पर वो उस जो भी तस्वीर वहाँ पर दिखाई देती है उसको अपने स्केचिंग करके उसको पूरा करते थे। तो इसी प्रिंसिपल को यूज़ करके काफ़ी आर्टिस्ट लोगों ने अपने आर्ट को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना शुरू कर दिया, और इस प्रिंसिपल का नाम था कैमरा ऑब्सकुरा। इस कमरे को कैमरा ऑब्सकुरा कहते थे। लैटिन लैंग्वेज में कैमरा ऑब्सकुरा का मतलब है अ डार्क रूम, यानी कि एक अंधेरा कमरा। दोस्तों लैटिन से ये वर्ड फारसी में चला गया, फारसी में कैमरा कमरा बना, और फारसी से ही हिंदी में हमने वो शब्द कमरा लिया हुआ है। हम आज भी रूम को कमरा बोलते हैं। तो दोस्तों अपने हाथ में जो कैमरा है वो दरअसल और कुछ नहीं है, एक छोटा सा कमरा है, एक छोटा सा डार्क रूम है, ये हमें समझना होगा। दोस्तों तो हमने देखा कैमरा ऑब्सकुरा प्रिंसिपल का यूज़ आर्टिस्ट लोगों ने अपने फील्ड में कैसे किया और अपनी आर्ट को आगे के लेवल तक कैसे लेके गए, पर इस प्रिंसिपल में अभी भी एक प्रॉब्लम था। वहाँ पर एंगल ऑफ व्यू पे कोई भी कंट्रोल नहीं था। एंगल ऑफ व्यू का मतलब है बाहर जो भी सीन है वो पूरा वाइड एंगल में वॉल पे छप जाता था। तो अगर उन्हें एंगल ऑफ व्यू वाइड नहीं चाहिए और मान लो पोर्ट्रेट बनाना है किसी का, तो उस होल के सामने किसी इंसान को लाके वो चेयर पे बिठा देते और पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश करते थे, पर उन्होंने ये फेस किया कि एंगल ऑफ व्यू चेंज नहीं होता है और पर्सपेक्टिव अच्छा नहीं आता था, क्योंकि वो हमेशा वाइड एंगल ही देता था और पोर्ट्रेट के लिए वो ठीक नहीं लगता था। अगर उन्हें थोड़ा सा क्लोजअप बनाने की वो कोशिश करते तो वो उसमें मुमकिन नहीं था। तो इस पे काफ़ी रिसर्च करने के बाद सोल्यूशन निकाला गया कि हमें उस होल पे एक ग्लास का लेंस लगाना चाहिए तो एंगल ऑफ व्यू चेंज होगा। दोस्तों कैमरा ऑब्सकुरा में एक प्रॉब्लम थी कि वो मूवेबल नहीं था, वो कहीं पर भी लेके जा नहीं सकते थे, तो उसमें फोटोग्राफी लिमिटेड थी। जो भी उस कमरे के बाहर सीन है वही बस रिकॉर्ड किया जा सकता था। पर बाद में लोगों को ऐसी नीड्स आने लग गई और ऐसी ज़रूरतें पैदा हो गई कि उन्हें मन करने लग गया कि हमें बाहर भी जाके फोटोग्राफी करनी चाहिए। तो उस पे काफ़ी रिसर्च करने के बाद उन्होंने दुनिया का पहला कैमरा बनाया, वो कुछ इस तरह दिखता था। तो दोस्तों इस फोटो में हम देख सकते हैं कि ये दुनिया का पहला कैमरा है जो एक जगह से दूसरा जगह पर लेकर जा सकते थे। तो हम देख सकते हैं कि दुनिया का पहला कैमरा कितना बड़ा था और आज के कैमराज हम अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने देखा कि कैमरा ऑब्सकुरा प्रिंसिपल में एक तरफ एक छेद होना चाहिए दीवार में और एक तरफ एक दूसरी दीवार होनी चाहिए जिस पर इमेज दिखाई देती है, तो ये जो कैमरा बना दुनिया का पहला कैमरा उसमें हम ये सोच सकते हैं कि एक तरफ से लेंस है और दूसरी तरफ पीछे उस ज़माने में ग्लास की प्लेट्स रखते थे जिसमें सिल्वर हलाइड केमिकल लगाया करते थे जो कि फोटो सेंसिटिव केमिकल हुआ करता था, तो उस पर इमेज की निगेटिव छपती थी और उसके बाद वो लोग उसे उन प्लेट्स को लैब में लेकर जाके डेवलप करते थे। उस ज़माने में तब तक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई थी। तो जैसे कि हमने देखा फोटोग्राफी लगभग 400 साल पहले शुरू हुई थी, कैमरास का साइज़ बहुत ही कम होते होते गया और आज के कैमरास हम जेब में लेकर घूमते हैं। तो अपने आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि आज का कैमरा कैसे काम करता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आने वाले वीडियोस में आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आने वाला हूँ।
बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी और फोटोग्राफी को लेके हम बहुत ही सारे ट्यूटोरियल्स बनाने वाले हैं और लाइव शूट्स भी करने वाले हैं। तो बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।